सब्सक्राइब कीजिए सॉफ्ट टेक सॉल्यूशन चैनल को और दबाइए बेल आइकन को सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुनैर और आप देख रहे हैं सॉफ्ट टेक सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज के इस एपिसोड में हम सीखने जा रहे हैं फंक्शंस के बारे में, जो कि सिमिलर है जैसे हमने पीछे एक सब क्रिएट की थी। फंक्शन में हम रिटर्न वैल्यू बनाते हैं, रिटर्न के बाद हम अपने जो हमने आंसर दिया होता है हम उसको कॉल करते हैं मेन प्राइवेट सम में। चलें फंक्शन क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर चाहिए होगा बटन। बटन बनाने के बाद बटन के यहाँ पे नेम दे देते हैं हम रन फंक्शन के नेम से, क्योंकि हमारे पर रन करे एक फंक्शन को इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हमने एक प्राइवेट सब क्रिएट की थी विद प्राइवेट सब से बाहर, यहाँ पर हम एक प्राइवेट फंक्शन क्रिएट करेंगे। प्राइवेट फंक्शन जो हो कोई भी हम यहाँ पर दे सकते हैं। मैं यहाँ पर मैच दे रहा हूँ। मैच देने के बाद जो कि वो हमारे पास सेव हो एज डबल, उसके बाद यहाँ पर हम एक डिम क्रिएट करते हैं। डिम क्रिएट करने के बाद वैसे ही यहाँ पर एक नंबर वन एज इंटीजर, एज इंटीजर, इंटीजर इक्वल टू हमारे पास यहाँ पर हम दे देते हैं 12। देने के बाद इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ पर पेस्ट करते हैं। यहाँ पर डिम को हमने कर दिया नंबर 2 के हिसाब से और यहाँ पर 12 को कर देते हैं 24। मैं यहाँ पर रिटर्न लिखता हूँ, रिटर्न। रिटर्न के बाद यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि ये दोनों वैल्यू डिवाइड हों, मीन नंबर 1 ओवर नंबर 2। देख रहे हैं पीछे हमने यहाँ पर मैसेज बॉक्स शो किया था, यहाँ पर हम मैसेज बॉक्स शो नहीं करें। हम यहाँ पर कॉल करेंगे मैसेज बॉक्स को, मैसेज बॉक्स हमारे पास शो करेगी रिटर्न वैल्यू, मीन जो कि हमने यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट किया है। फंक्शन को हम यहाँ पर कॉल करेंगे। फंक्शन का मतलब ये होता है कि हमने मुख्तलिफ किस्म की कोडिंग की होती है, मीन यहाँ पर मैंने फंक्शन क्रिएट किया है प्लस का, तो नेक्स्ट हम फंक्शन क्रिएट करेंगे सब्ट्रैक्ट का, नेक्स्ट फंक्शन हम क्रिएट करेंगे डिवाइड का। जैसे हम एक पीछे हमने एपिसोड में सीखा था कैलकुलेटर डिवेल्प करना, तो यहाँ पर हम मैसेज बॉक्स पर लिखेंगे यहाँ पर हम लिखेंगे मैथ्स। हम यहाँ पर मैथ्स को कॉल कर रहे हैं मैथ्स। मैथ्स के बाद यहाँ पर मैथ्स का ऑपरेटर बन, इसको यहाँ पर सेव करते हैं। सेव करने के बाद ये हमारे पास फंक्शन क्रिएट हो चुका है रन फंक्शन मेन 12 डिवाइडेड बाय 24 इक्वल टू 0.5। हम यहाँ पर इसकी वैल्यू को 100 कर देते हैं और इसको यहाँ पर 10 कर देते हैं। आपको यहाँ पर ज़्यादा समझ आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कॉल करते हैं 0.1। जैसे कि आपने देख लिया हमारे पास जो थी रिटर्न वैल्यू वो ठीक काम कर रही है। ऐसे ही हम यहाँ पर एक डिम क्रिएट करते हैं और डिम का हम नेम रखते हैं मीन आंसर। आंसर सेव वो हमारे पास एज इट इज डबल। डबल के बाद मीन जैसे हमने यहाँ पर मैसेज बॉक्स में जो ऑपरेटर या फंक्शन कॉल किया था वो था हमारे पास फंक्शन, इसको हम यहाँ से ख़त्म कर देते हैं और आंसर को इक्वल रखते हैं हम अपने मैथ्स के। मैथ्स के इक्वल रखने के बाद यहाँ पर हम सिंपली आंसर लिखेंगे तो हमारे पास जो होगा आंसर वो शो हो जाएगा। मीन हमने किया कुछ यूँ है, हमने एक डिम क्रिएट की है आंसर के नेम से, मीन हमने आंसर के नेम से एक स्पेस क्रिएट कर ली अपने सॉफ्टवेयर में जो कि सेव होनी हमारे पास एज डबल। अब जो आंसर किसके इक्वल होगा वो हमारे पास आंसर इक्वल है मैथ्स के फंक्शन के, मैथ्स के फंक्शन के हमने इक्वल कर लिया, मीन आंसर हमारे पास इक्वल हो गया है मैथ्स के फंक्शन के जो कि रिटर्न वैल्यू हमारे पास है ये वाली। मीन अगर हम आंसर को यहाँ पर कॉल करेंगे
तो जो हमने रिटर्न वैल्यू का आंसर होगा हमारे पास यहाँ पर शो होगा। इसको सेव करने के बाद कॉल करते हैं, ये देख रहे हैं हमारे पास जो फंक्शन है वो सेम काम कर रहा है, कोई यहाँ पर फ़र्क नहीं पड़ा। चलिए मैं ये आपको यहाँ से चेंज कर देता हूँ, इसको यहाँ पर 1000 कर देते हैं, यहाँ पर इसको 100 कर देते हैं, सेव करते हैं 10। ये देखिए हमारे पास ऑपरेटर वैसे का वैसे ही सेम काम कर रहा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।